नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 26 दिसंबर तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2021 तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब का आज हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आने पर आप लोग लाइक तो करते ही हो, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप रेगुलर करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हो तो। और इस लेक्चर का आपको PDF यहाँ मिल जाएगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जरूर जुड़ लीजिएगा। इसके अलावा ईयरली मैगजीन हमारा मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, बहुत बेहतरीन तरीके से कंपाइल किया गया है इसको पूरे साल भर के करंट अफेयर्स का। और खास बात यह है कि इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मैगजीन मिलने वाला है। हिंदी लैंग्वेज की मैगजीन 5 जनवरी से मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, यानी कि आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स पर जाएं और इस मैगजीन को वहां से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहते हो तो आप इसे जरूर परचेस कर लीजिएगा, आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स पर मिल जाएगा। रही बात इंग्लिश वाली मैगजीन की, ईयरली जो हमारा इंग्लिश मीडियम का मैगजीन है वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा 9 जनवरी से। तो 9 या 10 जनवरी को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स पर चले जाइएगा और वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब रही बात कि करंट अफेयर्स कब तक पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम आप 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। कब से कब तक आप पढ़िएगा? दिसंबर 2019 से लेकर जनवरी 2021 तक, यानी कि 15 जनवरी तक आप कवर कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से करके जाइएगा अगर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो। नहीं तो आप दिसंबर से दिसंबर भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को करके जाइएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उस टॉपिक के आधार पे कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और हाँ, इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको इन क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत छत्तीसगढ़ के किस शहर को सर्वाधिक प्रदर्शन वाली नगर पालिका की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। हाँ, और अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं देखे हो, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2020 कब से कब तक आयोजित किया गया? देखिए, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मॉनसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, कई बार व्यापम के द्वारा भी, कई बार CGPSC के द्वारा भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को पुरस्कृत, यानी कि पुरस्कार प्राप्त होगा? ऑप्शन इस प्रकार से रहा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता, प्रत्येक वर्ष वैसे नवंबर में आयोजित किया जाता था, लेकिन COVID-19 की वजह से इस बार जो है इसका आयोजन थोड़ा डिले हुआ है और छत्तीसगढ़ की किसी फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब हाँ, आगे मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो लोग खासकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए उनको पता होगा कि 25 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलने वाला है इसी महीने जनवरी के सेकेंड वीक में। क्लियर? कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम की खास बात यह है कि वो एक 25 घंटे का प्रोग्राम होगा जिसमें आपका पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आप पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को अगर आप फॉलो किए हो वीकली सेशन को, तो आप बेस्ट हो। क्यों बेस्ट हो? क्योंकि बीच बीच में अगर स्टैटिक पार्ट भी आया है, क्योंकि अगर देखा गया है ट्रेंड खासकर पिछले 1-2 सालों से कि छत्तीसगढ़ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पॉलिटी का हो गया, चाहे इन्वायरमेंट का हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ GS का ही हो गया, या फिर आर्ट एंड कल्चर का हो गया, जो पूरे साल भर में न्यूज़ में रहे हैं, तो स्टैटिक पार्ट से भी वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो करंट में न्यूज़ में है। तो इसलिए करंट अफेयर का वेटेज सिर्फ डायनेमिक तक सीमित नहीं है, स्टैटिक तक भी है। तो करंट अफेयर का वेटेज अगर दोनों मिलाकर देखोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से फॉलो कर लिए हो तो आप बेस्ट हो, लेकिन अगर आप पूरे साल भर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए हैं, बीच में मिस हो गया है, तो पूरा कवर करेगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम। 25 घंटे का प्रोग्राम होगा और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका वन डे एग्जाम जो होने वाला है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो।
तो कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स प्रोग्राम से आप जरूर जुड़ सकते हो। इस जनवरी के सेकंड वीक में वो आपको वीडियोस मिल जाएगा और सब बाइफरगेट करके बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और इसके अलावा FTR भी करेंट अफेयर्स का लगभग 26 जनवरी से शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उससे भी आप जरूर जुड़िएगा, वहां से भी आपका बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? एक सैंपल मैं आपको यहां पर देता हूं कि वर्ष 2000 की कुछ प्रमुख स्कीम्स हैं। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे, उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे, तो वहां से आप देखोगे कि 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही हैं स्कीम से। तो 2020 में जितनी भी शुरू की गई हैं स्कीम्स हैं वो सबको बहुत अच्छे से करके जाना। कुछ सैंपल है यहाँ पर, जैसे देखो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, इसके अलावा आपका गोधन न्याय योजना हो गया, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक संग्राहक सुरक्षा योजना हो गया, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना हो गया, जब आपका एक एग्जाम हो रहा था प्रोफेसर वाला वहाँ पूछा भी गया था, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हो गया, निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना हो गया, मेहराजो अभियान हो गया, तो जितने भी कैंपेन्स भी शुरू हुए हैं उसे भी इसमें शामिल किया गया। तो मुख्यमंत्री मितान योजना, लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, बहुत सारे इस तरह से स्कीम्स हैं, जैसे राम वन गमन पथ योजना। तो ये कुछ सैंपल्स हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, तो उससे जरूर जुड़िएगा आप लोग अगर बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो तो। क्लियर है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की तरफ से। देखिए करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कीजिएगा, बिल्कुल इसे लाइटली मत लीजिएगा, समझ गए? जितना बेहतर तरीके से इसे तैयार करके जाओगे आप उतना बेहतर स्कोर पर कर पाओगे, ठीक है? चलिए टॉपिक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। और एक बात और बता दूं कि आज के इस वीडियो में कुछ खास टॉपिक नहीं है, पिछले 8-10 दिनों में मैंने बहुत ढूंढा, न्यूज़पेपर्स भी एनालिसिस किया, वेबसाइट भी एनालिसिस किया, लेकिन चार ही टॉपिक इंपॉर्टेंट मिल पाए हैं, लेकिन चारों जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इसे कर लीजिएगा क्योंकि कुछ खास ज़्यादा टॉपिक इस हफ्ते नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, या यूं कह लें कि इसे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन से कैटेगरी में? तो डायनेमिक रैंकिंग रिलीज किया गया है हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत, और इस डायनेमिक रैंकिंग में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये तो बात हो गई वर्ष 2020 की, इससे पहले भी 2019 और 2018 में रूरल मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु तथा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रथम पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो चुका है। अब रही बात रूरल मिशन है क्या, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रूरल मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसकी शुरुआत फरवरी 2016 में की गई थी। कहां से की गई थी, ये मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजनांदगांव से इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट याद रखिएगा। और इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के लिए एक मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए एक क्लस्टर के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। एक क्लस्टर है क्या? तो क्लस्टर एक ग्रामीण क्षेत्रों को 2-4 गांवों को मिलाकर एक समूह को बनाया जाता है। कैसे? जैसे देखिए यहां पर मैदानी और तटीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः 25,000 और 50,000 जनसंख्या आबादी को लिया गया, और रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और आदिवासी क्षेत्रों के लिए लगभग 5,000 और 1,500 की आबादी को लिया गया, और उनका सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए, उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्लस्टर डेवलप किया गया रूरल मिशन के तहत। तो इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, कब शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ को प्राइज प्राप्त हुआ है, कौन सा रैंक मिला है, कौन से जिले से इसे शुरू किया गया था, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है राजपथ पर, यानी कि 26 जनवरी 2021 को जब इंडिया गेट पे तिरंगा फहराया जाएगा और उसके जस्ट सामने राजपथ पर जो राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां निकलती हैं, उसमें इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ शामिल होने वाला है। और इस वर्ष जो राजपथ पर झांकी निकलेगी, छत्तीसगढ़ के कौन से थीम पर झांकी निकलेगी, तो छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद वैभव इस बार झांकी में दिखने वाला है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी संगीत से संबंधित वाद वैभव हैं वो सब दिखने वाला है इस बार राजपथ पर। तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर कई बार देखा गया है, चाहे रेलवे का एग्जामिनेशन हो, SSC का एग्जामिनेशन हो, जो राजपथ पर राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां निकलती हैं, उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि सारे स्टेट्स का तो होता नहीं है, तो राज्यों की झांकियां का चयन कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका चयन जो है
रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति होती है जो राज्यों की तरफ से प्रपोजल जाता है कि मैं अपना झांकी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, या राज्यों का प्रपोजल मंगाया जाता है, उस पर रिसर्च होता है और पूरे रिसर्च के बाद जो रक्षा मंत्रालय का विशेषज्ञ समिति है वो चयनित करता है कि हाँ इस राज्य का जो झांकी है वो राजपत्र पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ का चयन हुआ था, इस साल भी हुआ है। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रयुक्त होने वाले लोकवादों का उनके संस्कृति परिवेशों के साथ में इस झांकी में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ की इस वर्ष की झांकी होने वाली है कुछ इस प्रकार से रहेगा। छत्तीसगढ़ में जितने भी संगीत से संबंधित वाद्यों का उपयोग किया जाता है सबका प्रदर्शन जो है यहाँ होने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। अगला हमारा टॉपिक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक लाइन में आपको याद रखना है कि बिलासपुर एयरपोर्ट जो कि चकरभाटा में स्थित है उसका नाम अब बिलासा बाई किंवटीन के नाम पर किया जाएगा। ये घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा। तो याद रखिएगा बिलासा बाई केवटीन के नाम पर अब बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम होगा। कौन है बिलासा बाई केवटीन? बिलासपुर शहर का जो स्थापना है, जो नींव रखने का काम है, इन्होंने ही किया था। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है, कोरबा मेडिकल कॉलेज का जो नामकरण है वो स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी के नाम पर होगा। हाल ही में कोरबा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का जो अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला था और अब कोरबा कॉलेज मेडिकल कॉलेज जो होगा वो डॉक्टर स्वर्गीय श्री बिसाहूदास महंत जी के नाम पर होगा। ये बिसाहूदास महंत कौन है? तो ये जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण दास महंत, उन्हीं के पिता हैं, और कोरबा के जो सांसद हैं श्री ज्योत्सना महंत, उनके ससुर हैं बिसाहूदास महंत। क्लियर, तो याद रखिएगा। इसके अलावा दो तहसीलों का अनाउंसमेंट किया गया है कोरबा जिले में। कौन कौन सा वो तहसील बनेगा? अजर बहार और बरपाली। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है। 2019 में 25 घोषित किया गया था लेकिन 23 का गठन किया गया है, और इसके साथ ही वर्तमान समय में तहसीलों की संख्या 177 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इंदिरा स्टेडियम जो कि कोरबा में स्थित है इसे स्पोर्ट एकेडमी बनाया जाएगा, इसके लिए भी मंजूरी दे दी गई है। तो इतनी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। फिलहाल तो ये चार ही टॉपिक है, पिछले मुझे लगता है कि पिछले एक साल में जितने भी करंट अफेयर्स मैंने एनालिसिस किया है तो सबसे कम जो टॉपिक है आज के इस लेक्चर में मिला, क्योंकि कुछ था ही नहीं, मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया पर मिला ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चार टॉपिक है इंपॉर्टेंट तो उसे ही पढ़ लीजिए। और हाँ, बेहतर तरीके से तैयार करके जाइएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बहुत कम समय बचा है, इस समय जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना लगा लो। हाँ, और एक बात और, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय अगर आपका हेल्थ बिगड़ा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, बेहतर तरीके से रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो सही से खाना, सही से सोना, नींद प्रॉपर लो, थोड़ा कम लो लेकिन प्रॉपर लो, और अच्छे से सो, खाना पीना सब पूरा परफेक्ट रखो ताकि आपका सेहत भी साथ दे सके, बेहतर तरीके से तैयारी करते रहो। रही बात करेंट अफेयर्स की, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स प्रोग्राम में भी कवर होगा और FTR तो आने ही वाला है जहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूं। क्लियर, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।